आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वह है NCDC। NCDC का पूरा नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। यह एक वैधानिक निगम यानी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। NCDC की स्थापना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। इसका मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। अब समझ लेते हैं इसकी संगठनात्मक संरचना के बारे में। जनरल काउंसिल और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के जरिए NCDC यानी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अपना कार्य करता है। जान लेते हैं जनरल काउंसिल के बारे में। जनरल काउंसिल का कार्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यक्रम एवं नीतियां बनाना है। इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है और उपाध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। NCDC का अध्यक्ष जनरल काउंसिल का उपाध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कार्य दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों को निष्पादित करना है। हेड ऑफिस के अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अपने 18 क्षेत्रीय या स्टेट निदेशालय के जरिए भी काम करता है। अब नजर डाल लेते हैं इसके फंक्शंस यानी कार्यों पर। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए निम्नलिखित गतिविधियों के लिए कार्यक्रमों का नियोजन यानी प्लानिंग, बढ़ावा देना एवं वित्त पोषित करना। कृषि उपज फूड स्टफ्स, मुर्गी पालन के लिए चारा यानी पोल्ट्री फीड एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं मसलन उर्वरक, कृषि मशीनरी आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आयात एवं निर्यात। लघु वन उपजों यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के एकत्रण यानी कलेक्शन, प्रसंस्करण, मार्केटिंग यानी विपणन, भंडारण एवं निर्यात और अधिसूचित सेवाओं का विकास। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कोऑपरेटिव सोसाइटी को वित्त पोषण करने के लिए राज्य सरकारों को लोन या अनुदान देना और राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों के शेयर कैपिटल में भाग लेना। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।